हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज तो हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई है। ये पहाड़ और ये वादियाँ केवल दूर से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो शायद वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको दूर से आती है। एक चीज़ का है कि आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा। दोस्त, एक बात तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो गार्डन बनाए गए हैं बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इन पहाड़ों की वादियों में घूमूं और यहाँ पर आऊं, लेकिन आज फाइनली मैं आ चुका हूँ। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी मैं आया कहाँ पे हूँ। अगर आप सूरत या फिर गुजरात में रहते हैं या फिर वापी या फिर वलसाड में रहते हैं तो आपको पता होगा विल्सन हिल्स करके नाम का एक मतलब जगह है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आपको आना होगा ना, मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई है ना वो बहुत भयंकर वाली है। इसका अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस होगा या फिर अनुभव होगा, जो आए होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं कुछ सजेशन दूंगा जो कि आगे वीडियो में। तब तक बने रहो और देखो कुछ नज़ारे। चलो चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ में और वहाँ पर देखते हैं क्या नज़ारे हैं, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई साहब, मैं ट्रेन पर सफ़र करते हुए बहुत बार सोच रहा था कि मैं कभी पहाड़ों पर्वतों पर जाऊँ और जहाँ पर मुझे सुकून मिले बहुत अच्छा वाला। मैं इसी मकसद से केवल यहाँ पर आना चाहता था और आज आया हूँ, क्योंकि मैं आया हुआ था धर्मपुर में, जो कि वलसाड ज़िला में पड़ता है। धर्मपुर आया था अपने मतलब दीदी के यहाँ, जो हमारी दीदी की ननद हैं, वो हमारी समझ लो दीदी ही लगेंगी, तो उन्हीं के घर पे मैं आया हुआ था। और भाई साहब, कपड़े देखो का ये हाल हो गया, यहाँ तक आने में ये हाल हो गया, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा हुआ था और पसीने की वजह से ऐसा ऐसा हो गया। फिलहाल एनीवे, इसको हम नहीं देखेंगे, इतना गौर नहीं करेंगे। अब देखो मैं कितने पहाड़ों पर आ गया हूँ, मतलब बहुत ऊँचाई पर हूँ। देखो, इमेजिन करो आप खुद, जैसे लगता है कि ये बादल हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं। यार क्या बात है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब लगता है कि बादल आपके हाथों के ऊपर से टच होके जा रहे हैं, आपके सर से ऊपर टच होके जा रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ फील होने वाला है। देख लो खुद, आप अच्छे तरीके से देख लो। दोस्त, एक बात तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर जो गार्डन बनाए गए हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो लोकेशन है, मतलब लोकेशन यहाँ पर कपल्स लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, कपल्स लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ पर आपको आने के लिए, अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप वलसाड आइए, वलसाड से फिर आप धर्मपुर आएंगे और धर्मपुर से रास्ता आपको क्लियर मिल जाएगा। मतलब कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको धर्मपुर आना पड़ेगा और धर्मपुर से ही आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा जो कि यहाँ को आता है। लेकिन वहाँ से आप चाहें तो गाड़ी बुक करके आ सकते हैं, मतलब कोई भी व्हीकल हो आप बुक करके आ सकते हैं, या फिर अगर आपका वाहन खुद का है तो भी आ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल होना चाहिए और वाहन अच्छे से चलाने वाला होना चाहिए, मतलब बाइक हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी हो, मतलब अच्छे से चलाने वाला होना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो चढ़ान है ना, वो अगर आपको मैप में अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत ख़तरनाक लेवल वाली है। अभी आगे मैं सब दिखाऊंगा आपको। और ये जो जगह है इसको विल्सन हिल्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। और बाकी अभी यहाँ पर वाटरफॉल्स वगैरह हैं, अभी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो और समझो, अच्छे से देखो और एंजॉय लो, और यहाँ पर कपल्स लोगों के लिए सबसे बेहतर जगह है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लुक है। दोस्त, यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं गाँव कितना दूर है और कितना ऊपर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो ये गाँव है, अब मैंने फुल जूम कर दिया है, अब सोचो फुल जूम कर दिया है और फुल जूम के तहत आप देखते रहो। अभी देखेंगे, ये देखो इस साइड में, अब आपको लगता होगा कि हम नज़दीक में हैं, लेकिन नज़दीक में नहीं है, हम बहुत दूर हैं। देखो एकदम नॉर्मल कैमरा भी आ गया, नॉर्मल पे अब देखो कि कितना दूर लग रहा है, और वाइड कर देंगे तो अभी पहुंच जाओगे बहुत दूर। तो इस प्रकार से देखो बहुत ज़्यादा जूम करके हम लेकर आए हैं और हम लोग बहुत दूर खड़े हैं। दोस्तों, चलते चलते मुझको बादाम का पेड़ मिल गया, और यहाँ पर शायद बादाम तो लगे नहीं हैं क्योंकि छोटा छोटा अभी है। और वहाँ पर देखो केरी का, मतलब आम का बगीचा है, उसमें आम बहुत लगे हुए हैं। और चलते हैं अब आगे थोड़ा, और आगे आपको नज़ारे दिखाते हैं क्या आगे और कुछ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये शायद मुझे लगता है सिकोया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पेड़ को यार, जिसको मालूम हो बता देना कमेंट में, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का पेड़ है।
और यहाँ पर नेटवर्क है, ये BSNL का टावर लगा हुआ है। यहाँ बिल्कुल पर आपको चढ़ते समय में आपको नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा, मतलब नेटवर्क आपके फ़ोन में आते जाते रहेंगे जहाँ तक है कि चले ही जाते हैं। और यहाँ ऊपर आने के बाद में आपको नेटवर्क मिलेंगे, वो भी एयरटेल का जो नेटवर्क है वो थोड़ा बहुत रहेगा, और जियो का यहाँ पर फुल रहने वाला है। बाकी VI का मालूम नहीं क्या होगा, VI का एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हम VI नहीं चलाते हैं इसलिए। और चलो आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे होने वाले हैं। अभी हम आ गए हैं एग्ज़िट पॉइंट पे। यह है एग्ज़िट वाला गेट, मतलब यहाँ पर गार्डन का समझ लो आपको लुक देखने को मिला इस वाले गार्डन के गेट के अंदर, मतलब विल्सन हिल्स में। और जिसको सुसु सुसु करना हो, यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बंद है। गड़बड़ है और बंद है, देख लो। और यह है एग्ज़िट पॉइंट, एग्ज़िट गेट और एंट्री गेट, ये विल्सन हिल्स के गार्डन का। यहाँ पर आपको ये गुलर का पेड़ मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में गुलर बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, देखो। और इसी का शायद कुछ बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में नाम बता देंगे हम। दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं हम वाटरफॉल देखने के लिए, और यहाँ से वाटरफॉल देखने के लिए अपने को इस वाले रास्ते पर चलना होगा, और यहाँ से फिर चलते हैं हम बाइक से, ठीक है, इस वाली जगह से। आप देख लो जो लोकेशन देख लो, यहाँ से अपने को वाटरफॉल देखने के लिए इस वाले रास्ते से चलना पड़ेगा। और चलो आगे दिखाते हैं, चलो निकलते हैं हम। बाइक तो चालू हो गई है, और आगे से वो शायद मुझे लगता है डायरेक्शन दिया गया किसी चीज़ का, विल्सन विलेज। अच्छा, वो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह के लिए मतलब दिया गया है ये डायरेक्शन। बाकी अपने को इसी रास्ते से नीचे चलना है, और नीचे चलने के बाद में जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। नीचे जाने के लिए समझ लो बहुत ख़तरनाक ही है पूरा ये रास्ता जो है, ये पूरा खतरों से भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से बाइक नहीं चलाएंगे, या फिर फोर व्हीलर आपका है अगर अच्छे से नहीं चलाएंगे, तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों देखो यार, इतना मतलब नीचे जाने के लिए रास्ता है, मैं बाइक बंद करके लेकर जा रहा हूँ, और पूरा मतलब तेल का बचत होगा, और देखते जाओ कितना अच्छा ढलान है, मतलब गाड़ी चालू करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जाने के लिए तो हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आपका स्प्लेंडर प्लस है, या मतलब 100 CC की कोई भी बाइक हो, वो यहाँ पर चढ़ने के लिए उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। अब देखो व्यू क्या भयंकर वाला है, इतना भयंकर व्यू है जिसे आप समझ नहीं सकते। लेकिन यार वाटरफॉल किधर है मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। यार वाटरफॉल तो अभी ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता, ये भाई आया हुआ है लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि हम भूल गए हैं। चढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट ऊपर उठ जाएंगे। मुझे लगता है जितना ऊपर आए थे उतना नीचे जा रहे हैं। वापस तो आ नहीं पाएंगे, मुझे लगा हमें देखना पड़ेगा। और ये बाप रे बाप, क्या खतरनाक रास्ता है, क्या खतरनाक ट्रैकिंग, बाप रे गजब एकदम दिख रहा है सामने से, एकदम बहुत भयंकर रास्ता है भाई देख के। ये तो और खतरनाक, नीचे जा रहे हम लोग। और अभी तक तो मैंने मूवी में देखा था, लेकिन अब तो क्लियर देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने। बाप रे बाप, ऐसा तो नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है यार, एकदम खतरनाक रोड ट्रैकिंग बहुत ज्यादा। मैं चलू ना? हाँ चले, बहुत सही है फिर, एकदम खतरनाक वाला। ये तो नेटवर्क है गायब। नेटवर्क तो गायब हो, जीरो बोलते ना कि जीरो नेटवर्क, और नेचुरल एकदम खतरनाक वो सीन इधर देखने को मिल रहा। अब जहाँ से हम आए हैं अभी वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे, बहुत ऊपर से आए हैं और बहुत नीचे भी जा रहे हैं, अभी कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं। हम तो नीचे नहीं जा सकते, अभी ऊपर नहीं जा सकते। हाँ मतलब तो दोस्तों चलते चलते हम लोग आ गए हैं कुछ इस लोकेशन पर, और ये लोकेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक है। और अगर आपको यहाँ पर पानी देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता, बरसात के मौसम में यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे हम आपको बता दें कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल हो गया है ख़त्म, हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हैं और इस रास्ते पर जा रहे हैं, और ये रास्ता अभी थोड़ा बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं पहले बताया आपको कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो पेट्रोल फुल करके आना भाई, क्योंकि ये रास्ता आपको अच्छा भी मिलेगा और बेकार भी मिलेगा। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। We'll be right back.
दोस्त कभी आपने अगर ऐसा नज़ारा नहीं देखा हो तो आप आइएगा विल्सन हिल्स और यहाँ पर आप ऐसे नज़ारे देख सकते हैं और बहुत बढ़िया लगेगा आपको। यार पर्वत पहाड़ियों के ऊपर भी आप जाकर देखो नज़ारा और नीचे से भी आकर अच्छे खासे नज़ारे देख सकते हो, जो कि आपके सामने बहुत अच्छा लग ही रहा होगा। और अभी हम इस वाले रास्ते से निकल रहे हैं आगे की तरफ, नायरा पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल डलवाएंगे, जो कि अभी वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ पर जब बरसात में पानी आता होगा ना, शायद मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ का नज़ारा, बहुत ही अच्छा। और रास्ता भाई यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव वाला है, यहाँ पर आपको बहुत संभाल के अपना गाड़ी चलाना होगा, नहीं तो आपको दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ेगा। भाई लोगों, अब हम पेट्रोल डलवा लिए हैं, अब हम हो गए हैं राजा, अब देखो कैसे चलाते हैं और बजाते हैं बाजा, देखो कितना मस्त व्यू है। ये रास्ता जो है ना, ये भयंकर वाला रास्ता है। अभी इसमें रास्ते में ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा, मतलब हमेशा नहीं, तो ये रास्ता जो है थोड़ा ख़तरनाक है। और बाकी जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ पर देखो पेड़ वगैरह किस तरह से आम का लगाया गया है, और लोकेशन तो आप काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा, मतलब ब्यूटी के लिए पहाड़ पर्वत जो है ना वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अभी देखो हम मोबाइल पकड़े हुए हैं, ये भाई साहब देखो एक्सीलेटर ले रहे हैं पीछे बैठ के, देखो कितना मस्त है ना। दोस्तों हम लोग वाटरफॉल तो देखने नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे गाड़ी का पेट्रोल हो गया था ख़त्म, और पेट्रोल डलवाने अगर नहीं आते तो शायद हम पहाड़ों के बीच में अटक ही जाते, और वहाँ पर कोई सुविधा हमको नहीं मिलने वाली थी क्योंकि वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, वोडाफोन का पकड़ता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, केवल जियो का सिम आपका यहाँ पर चलेगा अच्छे तरीके से और अच्छा खासा नेटवर्क आएगा। फिलहाल ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा पानी देखने को मिलता है, और यही सब जाके एक अच्छा खासा वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से पहाड़ी ऐसे पड़ता है और वहाँ से पानी गिरता है। तो चलो अभी बहुत सारे पहाड़ी देखने को आपको पड़े हुए हैं, आपको हम दिखाते ही रहेंगे, चलो आगे बने रहो वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहाड़ है यहाँ से पत्थर वगैरह गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये जो पहाड़ है यहाँ से पत्थर बहुत गिरते रहते हैं। पीछे वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं और इस प्रकार से हैं, यहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक यहाँ से जब भी गुजरें बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ से जाएँ देखते हुए, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ सब ऐसे जो सीन हैं ये सब आपको मूवी में दिखाए जाते हैं, बहुत सारी मूवी में आपको देखने को मिलेगा, जो पुरानी मूवी है उसमें बहुत सारे सीन ऐसे होते थे जो कि ऐसे पहाड़ों पर्वतों पे सीन लिए जाते थे, और ये काफ़ी सुंदर भी दिखते थे, बहुत अच्छे भी दिखते थे। जो आप बहुत पुरानी पिक्चर देखेंगे जिसमें डकैती वगैरह जैसे दिखाते थे, वहाँ पर पहाड़ों और पर्वतों वाला सीन तो अक्सर दिखाया जाता था, और जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, और आपको भी देखना है तो आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, बाकी अपनी आंखों से अगर लाइव देखना हो अपने सामने तो आप आ सकते हैं धर्मपुर। कभी कभी होता है ना दोस्तों कि ये जो सीन्स आते हैं लगता है कि यहीं पर रह ही जाएं, मतलब ऐसा फील होता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, और ये बरसात के मौसम में यहाँ पर आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून फील होगा जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात सजेशन देना चाहता हूँ, आप कभी भी आओ अपना मोबाइल फ़ोन पूरा फुल चार्ज करके आओ, और जियो का सिम जरूर लेकर आना, अगर आप जियो का सिम चलाते हैं ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैप का सहारा आपको लेना पड़ सकता है। अगर आप बिना मैप के सहारे यहाँ पर चलेंगे तो आपको बहुत जगह पर पूछना पड़ेगा और बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लोकेशन के मामले में, रास्ते के मामले में। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ से धर्मपुर 12 किलोमीटर है वहाँ पर सामने देखो, और हम चल रहे हैं घर पे अब, और अभी भी रास्ते में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखना बाकी है, आप सब देखो और समझो। अगर आपको जब भी घूमने का प्लान हो बहुत अपने अच्छे तरीके से तैयारी के साथ में यहाँ पर आइएगा। दोस्त हम पहाड़ियों की वादियों से बहुत ज़्यादा दूर चले आए हैं, मतलब कि अब हम चल रहे हैं घर, और अभी हम पहुँचने वाले हैं धर्मपुर। अब धर्मपुर यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है, और धर्मपुर चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर पे खाना पीना खाते हैं, फिर निकलते हैं सूरत के लिए। चलो बाय बाय, नमस्कार।